दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों आज मैं आपके साथ एक सिंपल मेकअप करने वाली हूँ, जो कि आप कहीं भी बाहर जा आपको कहीं भी बाहर जाना है, रेडी होना है या कोई भी घर में गेस्ट आए हुए हैं, तो आप इस तरह से मेकअप कर सकते हैं। और दोस्तों इसमें जो भी प्रोडक्ट मैं यूज कर रही हूँ वो शुगर कॉस्मेटिक का है, तो आप कह सकते हैं कि वन ब्रांड मेकअप ट्यूटोरियल। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों में ये शुगर का प्राइमर अप्लाई करने वाली हूँ। दोस्तों हमारा जो बेस होता है इसको स्मूथ बनाने के लिए प्राइमर लगाना बहुत जरूरी होता है। प्राइमर अप्लाई कर लेते हैं तो उसके बाद जो फाउंडेशन है कोई क्रीम लगाते हैं, बहुत अच्छे से ब्लेंड होता है, बहुत अच्छे से अप्लाई होता है, क्योंकि हमारी जो स्किन होती है वो स्मूथ हो जाती है प्राइमर लगाने के बाद। और दोस्तों मैं बताना भूल गई, मैंने मॉइस्चराइजर और एक लिप बाम अप्लाई किया हुआ है, तो आप अपनी पसंद का कोई भी मॉइस्चराइजर और लिप बाम लगा सकते हैं। दोस्तों मैं ये शुगर का ये फाउंडेशन स्टिक लगाने वाली हूँ, जिसमें मेरा शेड है 10 लाटे। और दोस्तों करंटली मेरा ये जो स्टिक है वो फेवरेट है, मुझे बहुत पसंद आ रहा है। और फाउंडेशन लगाना मुझे इतना पसंद नहीं है दोस्तों, लेकिन ये वाला फाउंडेशन मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, इसलिए मैं आजकल इसे यूज कर रही हूँ। और दोस्तों इस फाउंडेशन का फुल रिव्यू मेरे चैनल पे है, मैंने किया हुआ है, तो अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं उसका लिंक दे दूंगी, आप जाके चेक कर सकते हैं। और दोस्तों इसे बहुत कम अप्लाई करना होता है क्रीम फॉर्म में। और दोस्तों इसके साथ एक और अच्छी बात है कि छोटू साइज ब्रश भी दिया हुआ है, इससे आप अच्छे से आप ब्लेंड कर सकते हैं, और आप कहीं अगर बाहर जा रहे हैं ट्रेवलिंग में भी तो बहुत ही अच्छा है। आपको अलग से कोई मेकअप ब्रश फाउंडेशन ब्रश या कुछ कैरी करने की जरूरत नहीं है, इससे आपका काम हो जाएगा। लेकिन हाँ ये है दोस्तों कि अगर इससे अगर थोड़ा अगर आपको जल्दी से मेकअप करना है तो मुझे लगता है थोड़ा सा इसका ये एरिया बहुत छोटा सा है, तो अगर जल्दी जल्दी ऐसे करेंगे तो ये हार्ड वाला ये जो पार्ट है मुझे लगता है वो स्किन पर लगने लगता है। आगे तो ये ब्रश जो है बहुत सॉफ्ट है, मतलब काम हो जाता है इससे। ये फाउंडेशन बहुत अच्छा है। इसकी कवरेज बहुत अच्छी है, और भी बहुत अच्छे से स्किन ग्लो हो रहा है। कवरेज आप देख सकते हैं कि इतना अच्छा लग रहा है स्किन पे। ओके, थोड़ा सा मुझे दोस्तों जब भी कोई क्रीम या फाउंडेशन आप कुछ भी अप्लाई करें तो फिर नेक एरिया में भी जरूर अप्लाई करें, जिससे आपका ये जो स्किन है जो नेक एरिया है वो सेम टू सेम दिखेगा। दोस्तों यहाँ अप्लाई नहीं करेंगे तो थोड़ा अलग दिखेगा, तो अजीब सा लगता है वो। थोड़ा सा मैं इसे हाथ से ही ब्लेंड कर लेती हूँ, फिर ये भी काम किया अच्छे से। दोस्तों थोड़ा सा देख सकते हैं इस फाउंडेशन की कवरेज कितनी अच्छी है। इसको लगाने के बाद दोस्तों मुझे बहुत ऐसा कुछ कॉम्पैक्ट या किसी लूज पाउडर की जरूरत तो नहीं समझ में आ रही है, फिर भी थोड़ा सा मैं टचअप कर ले रही हूँ। ये शुगर का ही ये कॉम्पैक्ट पाउडर है ये दोस्तों,
बाद दोस्तों मैं शुगर का एक ब्लश अप्लाई करने वाली हूँ। और दोस्तों शुगर के जो ब्लश मैंने जो देखे हैं काफ़ी डार्क होते हैं, चाहे वो पिंक हो चाहे कोरल वाला हो, चाहे कोरल वाला है, तो आई थिंक इसमें ऑरेंज दिख रहा हो, इतना ऑरेंज है नहीं ये, और ये कोरल क्लाइमेक्स। दोस्तों बहुत आपको केयरफुली अप्लाई करना होगा, लेकिन क्योंकि थोड़ा सा आप ज़्यादा अगर अप्लाई कर लेंगे इसको तो ये एकदम आप गुलाबी गुलाबी हो जाएंगे। ज्यादा ही लग रही है इसके बाद दोस्तों ये शुगर का एक ये ब्रॉन्जर है दोस्तों, ये एक ऑप्शनल स्टेप है, मतलब आप स्किप कर सकते हैं। मैं एक्चुअली मेरी जो नोज है थोड़ी सी चौड़ी है, तो इसको थोड़ा सा साफ दिखाने के लिए मैं हल्का सा ही ब्रॉन्जर कर रही हूँ। दोस्तों ये बिल्कुल एकदम ऑप्शनल है। मेरी जो नाक है दोस्तों वो थोड़ी चौड़ी है। इसके बाद दोस्तों मैं शुगर का ये बहुत हल्का दोस्तों, आपको डे में मेकअप करना है तो ऐसे हाइलाइटर की जरूरत नहीं है। मैं थोड़ा सा थोड़ा नेचुरल सा लुक आए एक मुझे ये वाले जो ब्रश होते हैं फैन ब्रश मुझे नहीं पसंद होते हैं, बट मुझे इसकी ये देख सकते हैं आप, देखने में बहुत सुंदर था इसलिए मैंने ले लिया था। मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा इससे काम होता है लाइटर का, तो इससे ज़्यादा सही मुझे लगता है कि मैं ये आप ऐसे फिंगर से भी आप इसे अप्लाई कर सकते हो आप इस तरह से। इसके बाद दोस्तों मैं शुगर की लिपस्टिक अप्लाई करने वाली हूँ, जिसमें मेरा शेड है ये प्रिंसेस पीच। दोस्तों मैंने जैसा कि एक वीडियो बताया अपने कि मुझे शुगर की लिपस्टिक की क्रियॉन लिपस्टिक मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। दोस्तों अभी मैंने आईज में कोई मेकअप नहीं किया है, इसलिए दोस्तों क्या है कि मैं एक मस्कारा पर्सन हूँ, मुझे आईलाइनर लगाना उतना पसंद नहीं है। अगर मेरे कई सारे वीडियोस में आपने देखा होगा कि मैंने आईलाइनर बहुत कम ही अप्लाई किया है, दो तीन चार वीडियो में लगाया होगा। और दोस्तों ज़्यादातर मैं मस्कारा ही लगाना पसंद करती हूँ, क्योंकि मुझे मस्कारा ज़्यादा नेचुरल ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे स्किन पे। और दोस्तों मैं ये शुगर का मस्कारा मैं
एक्चुअली देख रही थी तो उसमें दो वेरिएंट अवेलेबल था, एक बड़ा साइज था जो कि 800 का था, एक स्मॉल साइज था 400 का। और दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि मुझे मस्कारा पसंद है, तो मेरे पास ऑलरेडी कई ढेर सारे मस्कारा है, तो मैं बड़ा वाला लेना नहीं चाहती थी और छोटा वाला जो था वो आउट ऑफ स्टॉक था, इसलिए दोस्तों सॉरी सुगर का मस्कारा नहीं है मेरे पास, इसलिए मैं ये लॉरियल का अप्लाई कर रही हूँ। और दोस्तों ये मस्कारा बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत इंटरेस्टिंग है, इसके पीछे ये टाइमर भी है। अगर आप इसका अगर फुल रिव्यू देखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं ज़रूर इससे वीडियो बनाऊँगी। दोनों में अंतर देख सकते हैं, मेरी ये वाली जो लेस है कितनी अच्छी लगी है। दोस्तों मैंने मस्कारा अप्लाई कर लिया है, आप देख सकते हैं। और दोस्तों मैं आईज के लिए शुगर का ही हाइलाइटर है जिसको लेके मैं सिर्फ ये यहाँ पे इतना सारे एरिया में अप्लाई करूंगी। दोस्तों आप हाइलाइटर को इस तरह से आई शैडो भी यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये मैंने अपना ये मेकअप लुक जो था एक मैंने क्रिएट कर लिया है, आप देख सकते हैं। दोस्तों एक सिंपल सा ही जी सा मेकअप लुक है, कुछ ऐसा बहुत इसमें मतलब ऐसा कुछ बहुत आपको बहुत ज्यादा इसमें कुछ सोचना नहीं है, बहुत इजी तरीके से आप तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको मेरा ये मेकअप लुक कैसा लगा। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर एक लाइक कीजिएगा, और मेरे आगे की और भी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।